हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्क्रीन शेयर करने का एक सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जिसका नाम है AnyDesk, जिससे आप कोई भी हमारी AnyDesk कनेक्ट कर सकता है। अगर जो मैं आज अपने होम टाउन में हूँ और मेरा फ्रेंड दिल्ली में है, तो कैसे मैं उससे कनेक्ट करता हूँ, उसकी डिस्प्ले कैसे मैं कर सकता हूँ, ईजी तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेके चलता हूँ लैपटॉप की, और उसके बाद में आपको इसका सही तरीका यूज़ करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से यूज़ किया जाता है, क्योंकि मैं आपको बता दूँ उसका क्या बेनिफिट होने वाला है। उसका बेनिफिट यह है, अगर जो हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं हो रहा, कोई फाइल्स क्रैक नहीं हो रही है, या हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, तो हम AnyDesk पर उसको कनेक्ट करके उसको रिजोल्व कर सकते हैं। तो ये उसका बेनिफिट होता है AnyDesk का। मैं काफ़ी टाइम से AnyDesk को यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो कभी कभी जैसा एडिटिंग में प्रॉब्लम आती है मेरे फ्रेंड के, तो वो मेरे से AnyDesk पे कनेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम को रिजोल्व करा लेता है, और बहुत इजीली से वो समझ आ जाता है, क्योंकि पूरी स्क्रीन हमारे लैपटॉप पर आ जाएगी। एक उस पे एक आईडी नंबर होता है, अगर आईडी नंबर उन्होंने आपको दिया तो आपके पास उसका सारा एक्सेस आ जाएगा। उनके पास तो रहेगा ही, लेकिन आपके पास भी एक्सेस आ जाएगा, मतलब आप भी उसको अपने हैंड पे यूज कर सकते हो। और अगर आपने उनको अगर मैंने उनको फर्स्ट अपनी आईडी दी, तो उनके पास मेरा सारा एक्सेस चला जाएगा और वो मेरे उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, मेरी लैपटॉप के डिस्प्ले को या कंप्यूटर की डिस्प्ले को वो ईजिली से यूज़ कर सकते हैं और प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो चलता हूँ अपने लैपटॉप के डिस्प्ले पर और मैं आपको बता देता हूँ AnyDesk को कैसे यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम अपनी लैपटॉप की डिस्प्ले पर, और मैं आपको बता दूँ ये AnyDesk है, और ठीक है, AnyDesk से आपको मेरी लैपटॉप की दोनों डिस्प्ले दिख रही होंगी, राइट। मैं आपको पहचान करा देता हूँ, ये मेरी फर्स्ट स्क्रीन है, जिसका ये कोड है 5417169 83, ठीक है। और ये मेरी सेकंड डिस्प्ले है, जिसका कोड है 2357130 86। अभी मैं क्या करता हूँ मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले मैं अपनी फर्स्ट वाले डिस्प्ले को इस वाले डिस्प्ले में आपको दूसरी वाली में कनेक्ट कर दिखाने वाला हूँ। तो जो फर्स्ट वाली का जो आईडी नंबर है, ठीक है, इसका आईडी नंबर मैं अपने सेकंड वाले में पेस्ट करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्टिंग चल रही है, कनेक्टिंग इन प्रोग्रेस, प्लीज़ वेट। और अभी देख लेते हैं, यहाँ पर आप सेकंड मेरी फर्स्ट वाली डिस्प्ले पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक्सेप्ट का और डिसमिस का दो ऑप्शन आ चुके हैं, और मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ इधर से। तो यहाँ पर आप मेरी सेकेंड वाली डिस्प्ले पर देख सकते हैं कनेक्टेड वेटिंग फॉर इमेज। अब ये जितना भी इधर के डिस्प्ले है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया, यहाँ पर हमारी डिस्प्ले इधर दिखने लगी है, फर्स्ट वाली डिस्प्ले सेकंड वाले में दिखने लगी है। अब मैं सेकंड वाले को फर्स्ट में कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो सेकंड वाले का मैं नंबर डाल लेता हूँ, यहाँ पे नंबर है उसका 26, और यहाँ से इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट करते ही एक यहाँ पर आपको अलाउ का और डिसमिस का एक एक्सेप्ट का आपके पास एक कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, और यहाँ पर मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। एक्सेप्ट करने के बाद ये यहाँ पर कनेक्टेड दिखा रहा है, तो वाओ, वेरी गुड वेरी गुड। तो आप देख सकते हैं मेरी जो डिस्प्ले है वो इधर दिखने लगी, मेरा जो इधर का इंटरफेस है वो इधर कंप्लीट आ गया। तो ये देख सकते हैं आप, ये मेरी डिस्प्ले है, ठीक है। अब मैं यहाँ से अपनी सेकंड वाली जो मेरी डिस्प्ले है, मैं उसको यहाँ से एक्सेस कर चुका अपनी फर्स्ट वाली डिस्प्ले पे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।